तुली बातें सुनी है। कम से कम जब तक चीन जैसा दुश्मन सामने रहता है, भारत पाकिस्तान को लेकर जो सियासी बयानबाजी होती है वो अलग होती है, चीन को लेकर अलग होती है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी भी जुड़ चुके हैं। रूडी जी, क्या हम ये समझें कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो सैनिकों को एड्रेस करेंगे तब उनकी बात करेंगे? अगर विपक्ष इतने दिनों से सवाल उठा रहा था कि जब उस दिन संबोधन किया तो सिर्फ कोरोना की बात करके क्यों चले गए, चीन की बात नहीं, प्रधानमंत्री सैनिकों के लिए बचाकर उन्होंने ये बात रखी थी कि शौर्य की बातें तो उन्हीं से होंगी जो वाकई ग्राउंड पर शौर्य अपना दिखा रहे हैं। श्वेता, आपने बिल्कुल सही बात कहा और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री ने दौरा किया है, देखिए दो बातों का मैं संज्ञान लेना चाहूंगा। एक तो पहली बार की जब देश के प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था और उन्होंने कहा कि हम अपने शहीदों के बलिदान को, कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और हमें कोई कमजोर ना समझे। पहली बार 70 साल के इतिहास में चीन को किसी ने पहली बार कोई प्रधानमंत्री भारत का उसने खुली चुनौती दी। और जी, आपका माइक शायद गिरा हुआ है नीचे, आप अगर माइक लगा लें। नहीं, जहां ये स्थिति दिख रहा है, आप क्या स्पष्ट हूं? आप क्या स्पष्ट हूं? जी, और पहली बार देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने, मैंने जैसे बताया कि 70 साल के इतिहास में आज तक किसी ने चीन को इस प्रकार से कोई चुनौती नहीं देती थी। देश के प्रधानमंत्री ने दिया और कहा कि हमारे सैनिकों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगा और कोई हमें आंख नहीं दिखा सकता। और उसके बाद दूसरी बार, ये पहली बार जब हम गलवान वैली या लद्दाख में जिस प्रकार की परिस्थितियां उभरी है और हमारे जवान शहीद हुए हैं, लेकिन चीन ने कितने मरे और कितने मरने के बाद ना उनको चीन ने स्वीकार किया ना उनके बारे में कोई सरकारी विज्ञप्ति दी। राजीव जी, आपकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ रही है, तो हमारी टेक्निकल टीम उसे दुरुस्त कर ले, तब तक हम जनरल दुआ को जोड़ते हैं इस चर्चा में। जनरल दुआ, हमेशा जो पेट्रोलिंग टीम वहां पर जाती है, चाहे उसके रिटायर्ड सोल्जर्स हों जो इस बात को बताएं कि उन्हें बड़ा बुरा भी लगता था कि हमेशा आप तीन तख्तियां लेकर वहां पर जाते हैं, पहला जिसमें आप कहते हैं यह हमारी जमीन है आप अपने टेरिटरी में चले जाइए, दूसरा जिसमें कहते हैं कि यह हमारी जमीन है आप भी पीछे हटिए और हम भी पीछे हटते हैं, और तीसरी वो तख्ती जिस पे यह लिखा रहता था कि यह हमारी जमीन है हम पीछे हट रहे हैं आप पीछे चले जाइएगा, तो ये चीन जैसा देश जिसे समझ में आना चाहिए था, सेना ने कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझा, लेकिन ये नीतियां जो रह गई वो थोड़ा सा परेशान जरूर करती थी। क्या आपको एक सैनिक होने के नाते यह भरोसा है कि आज अगर हम एक स्ट्रांग स्टैंड ले रहे हैं, आज अगर हम कह रहे हैं कि चीन को उसकी भाषा में जवाब देंगे, तो ये आने वाले दिनों के लिए भी रीडिफाइन करेगा भारत और चाइना के रिलेशनशिप को? बिल्कुल, आने वाले दिनों में आर्मी टू आर्मी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे डीलिंग्स क्या होंगी वो तो रीडिफाइन होंगी। वो इसलिए होंगी, जैसे कि आपने देखा पिछले हफ्ता, एक लगभग पिछले हफ्ते हमारे को मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, लीडरशिप की तरफ से था कि आर्मी को अब पूरी खुली छूट दे दी गई है। हमें किसने बांध रखा था? हमने कुछ प्रोटोकॉल्स आपस में तय किए थे दोनों आर्मीज ने तय किया था कि हम वेपन जो कैरी करेंगे कुछ ऐसे ढंग से कैरी करेंगे, हम दोनों एक दूसरे के ऊपर एम्बुश नहीं लगाएंगे उन 23 जगहों में। तो इस तरह के कुछ प्रोटोकॉल्स हमने दोनों तरफ ने तय किए और दोनों तरफ उसको रिस्पेक्ट भी करते रहे। अब इस वक्त हालांकि गोली नहीं चली, लेकिन दोनों तरफ से डेथ्स हुई हैं, जाने गई हैं। यकीनन इतने 3 दिन की जो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल बातचीत जो 12-14 घंटे चली हैं, तो कई प्रोटोकॉल डिसाइड होंगे। और आज जो प्रधानमंत्री ने एक स्ट्रांग मैसेज दिया है, एक स्ट्रांग स्टेटमेंट दी है, यकीनन इसके बाद कई चीजें रीडिफाइन होंगी। और मेरी समझ से ये चाहे जिस स्तर पे भी हो, ये सब करना बहुत जरूरी है। हम उसी दूरी पे नहीं चले रह सकते जिस तरीके से हम आज से 50 साल पहले थे। जनरल दुआ, एक चीज और आपसे समझना चाहती हूं। जब पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि हमारे सैनिकों को फ्री हैंड दिया जा रहा है, और चाइना के साथ जब कहा जाता है कि हमारे सैनिकों को फ्री हैंड दिया जा रहा है, तो उसमें डिफरेंस होता है। आप उस सर्जिकल स्ट्राइक को आपने लीड किया था, जब पहली बार ऐसा हुआ कि एक सरकार ने उसे
जानते बूझते और एंडोर्स भी किया, वरना स्ट्राइक्स होती रही हैं, लेकिन उस तरह का एंडोर्समेंट एक गवर्नमेंट का नहीं रहा है उस पर। तो वो हमने देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हुई, उसे फॉलोअप किया गया बालाकोट एयर स्ट्राइक से। पाकिस्तान के साथ तो हम गोली चला सकते थे, आज अगर हम चाइना को उसकी भाषा में जवाब देने की बात करते हैं, ये आजादी किस तरह की है? जो ग्राउंड पर जवान सुन रहा था प्रधानमंत्री को, उसने क्या समझा होगा आज? देखिए, आर्मी के जवान, यही जवान जो आज लद्दाख में तैनात हैं, ये कभी ना कभी जेएनके में एलओसी में रहे होंगे, क्योंकि सभी ऑल्टरनेट टेन्योर्स करते हैं, तो सभी को अंडरस्टैंडिंग है लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अलग है। अलग क्या है? अलग ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल में के पार जो पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठिए टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट कराते हैं वो लोग। नाउ टेररिज्म एक अलग चीज है, जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी जब उड़ी पे उन्होंने हमला किया, और उसके पहले पठानकोट और कई ऐसे बड़े हमले हुए, तो डिसाइड किया गया कि हम एक ऐसा वार करेंगे जो अक्रॉस जाएंगे। उधर अक्रॉस का, सर्जिकल स्ट्राइक का और बाद में बालाकोट स्ट्राइक का फर्क यह है कि वो टेररिस्ट के अगेंस्ट था, उसमें हमने पाकिस्तान आर्मी को कोई टारगेट नहीं किया, कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ, सिर्फ हमने टेरर कैंप्स, टेरर लॉन्च पैड्स और टेरर कैंप्स पे स्ट्राइक किया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।